नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपका स्वागत करते हैं मुंबई गणेश महोत्सव 2023 को मनाने के लिए। आपका मोस्ट वेलकम। देरी न करते हुए हम आपको बताते हैं कि आज हम इस वीडियो में आपको क्या दिखाने वाले हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये है, तो जितनी भी यहाँ पर झांकियाँ बनाई गई हैं गणेश महोत्सव 2023 को मनाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पास में, उसमें से हम आपको सारी की सारी दिखाने वाले हैं। तो आपको अब बताना होगा उन सारी वीडियोस में, उन सारी झांकियों में कौन सी झांकी आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगी। तो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं झांकियों की तरफ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी जगह पर, और यहाँ पर सभी बंदों के अंदर बहुत ही ज़्यादा उत्साह और बहुत ही ज़्यादा उमंग भरी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे बच्चे कितने अच्छे तरीके से डांस कर रहे हैं। और हमें सबसे पहले यहाँ पर झांकी मिलने वाली है फोटचा गणराज जी की, जो कि फोटचा गणराज नाम से यहाँ पर झांकी बनाई गई है। तो अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से झांकी बनाई गई हुई है। इसके साथ साथ में दोस्तों आज हम इसके अलावा चार जगह पर और विजिट करेंगे और दिखाएंगे यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी झांकियाँ बनाई गई हुई हैं। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी झांकी सबसे प्यारी लगी और कौन सी झांकी सबसे अच्छी लगी, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट से ही हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने चैनल पोला जर्नी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगी और हमारी पुरानी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, जो कि मुंबई गणेश महोत्सव 2023 के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। और दोस्तों मैं आपको और बता देता हूं एक बात, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी मुंबई गणेश महोत्सव 2023 के बारे में, उसमें जिसमें हमने बताया है कि यहाँ पर गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और उसका मुख्य कारण क्या था, कि जिसकी वजह से यहाँ पर गणेश चतुर्थी बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है और हर कोने पर यहाँ पर गणेश चतुर्थी के नाम पर झांकियाँ बनाई जाती हैं, बहुत सारी झांकियाँ बनाई जाती हैं। तो वाली वीडियो आप ऊपर की तरफ आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों इससे ज़्यादा हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं इस बार गणेश महोत्सव 2023 मुंबई में कैसे मनाया जा रहा है, तो डेली डे बाय डे हम आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फोटचा गणराज जी के पास में और यहाँ पर दिखाते हैं आपको फोटचा गणराज जी, और इसके साथ में दोस्तों आपको चार झांकियाँ और दिखाएंगे और उसमें से आपको एक झांकी बताना होगा कि आपको कौन सी झांकी सबसे प्यारी लगी। दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो में लास्ट तक और देखिए हमारी पाँच की पाँच झांकियाँ, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के पास में बनाई गई हुई हैं। मुझे भी देना यू पोला जर्नी, पोला जर्नी, पोला जर्नी यो यो। दोस्तों मुंबई में जैसे भी आप निकलेंगे कि हर मोड़ पर, हर नुक्कड़ पर यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा झांकियाँ मिलेंगी। यहाँ पर छोटे छोटे लोग निकल रहे हैं अपने गणेश जी की स्थापना करने के लिए, सभी जगह घुमा रहे हैं अपने गणेश जी को जो उन्होंने स्थापित किया हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पर ढोल नगाड़े बजते रहते हैं मुंबई गणेश महोत्सव 2023 के लिए। 23 की क्या, हमेशा यहाँ पर गणेश चतुर्थी जो मनाई जाती है बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाती है। यहाँ पर हमेशा अगर आप निकलेंगे रोड में इवनिंग के टाइम पर, यहाँ पर हमेशा आपको ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती रहेगी हर एक कोने से। दोस्तों अगर आप मुंबई नहीं आए तो ज़रूर से ज़रूर मुंबई विजिट करें और देखें यहाँ पर। और अभी दूसरी जगह पर हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं, जो कि है मेट्रो चा राजा, क्योंकि मेट्रो जी के राजा हैं। तो यहाँ पर इनकी झांकी बहुत ही प्यारी बनाई गई हुई है, तो आपको दिखाते हैं अंदर ले चल कि जो मेट्रो चा राजा हैं उनकी यहाँ पर मूर्ति किस तरीके से बनाई गई हुई है। सभी के बारे में कंपेयर करना तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान गणेश जी तो एक ही हैं, बट कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डेकोरेशन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ बुरी मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर से बोलूँ, सिर्फ और सिर्फ हम डेकोरेशन के बेसिस पे कर रहे हैं। तो अगर आपको पांचों में से जो भी जहाँ का भी डेकोरेशन आपको ज़्यादा प्यारा लगे, तो वहाँ के बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। गणेश भगवान तो एक ही हैं, सभी जगह वही गणेश भगवान की श्रद्धा रहती है और हम भावपूर्ण अपनी गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं। तो दोस्तों कंपेरिजन करना गलत बात तो नहीं कह सकता, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन के अकॉर्डिंग ही कंपेयर करेंगे। तो बस इसी तरह आप देखिए, हमने यहाँ पर आपको मेट्रो चा राजा दिखा दिया, जो मेट्रो जी के राजा हैं। यहाँ पर मेट्रो जी के राजा के नाम से यहाँ पर गणेश भगवान जी की पूजा होती है। अभी लाइव नहीं है, बस रिकॉर्डिंग चल रहा है और ये कल निकालेंगे।
और दोस्तों आपको बता देते हैं कि जो ये झांकी हम आपको दिखा रहे हैं ये फैशन स्ट्रीट के एंड पे दिखती है, ये फैशन स्ट्रीट के चौराहे पर दिखती है एसपी पेट्रोल पंप के पास। तो दोस्तों अभी हम फैशन स्ट्रीट की भी आपको कुछ झांकियां दिखा रहे हैं, उसके साथ साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पास की झांकियां दिखाएंगे। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आज के ही दिन आप यहाँ पर जब भी गणेश चतुर्थी 10 दिनों का त्यौहार मनाया जाता है उसमें से सभी के सभी दिनों यहाँ पर हर एक रोड पर हर एक नुक्कड़ पर आपको ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती रहेगी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को मिस मत करिएगा, अगर आप घर पर बैठे तो तुरंत के तुरंत बाहर निकलिए और घूमिए मुंबई सिटी इस गणेश चतुर्थी महोत्सव में, और आपको हर जगह बहुत ही खुशहाली देखने को मिलेगी। मुंबई में ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है, सबके सब बराबर हैं जो कि गणेश जी की पूजा करते हैं, और यहाँ पर छोटी छोटी झांकियाँ हमेशा निकलती रहती हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको फैशन स्ट्रीट के राजा फैशन मार्केट की तरफ लेकर पहुँच चुके हैं, और ये जगह एकदम फैशन स्ट्रीट के स्टार्टिंग पॉइंट पर है, और इसे जो यहाँ पर मूर्ति बनाई गई हुई है गणेश भगवान जी की, इसको फैशन स्ट्रीट का राजा बोला गया हुआ है। तो चलते हैं आपको फैशन स्ट्रीट के राजा जी की फोटो दिखाते हैं, मूर्ति दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर डेकोरेट किया गया हुआ है। आप बाहर का लुक देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसे डेकोरेट किया गया हुआ है, कितना अच्छी तरीके से आपको बाहर से लग रहा है इतनी अच्छी तरीके से अंदर भी डेकोरेट किया गया हुआ है। दोस्तों आप कमेंट करना जरूर मत भूलिएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम आपको 5 झांकियां दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 5 झांकियों में से कौन सी झांकी आपको सबसे ज़्यादा प्यारी लगी। और अभी आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का डेकोरेशन, और इसके साथ साथ में दिखाते हैं यहाँ पर फैशन स्ट्रीट के राजा जी की मूर्ति किस तरीके से बनाई गई हुई है, कितने प्यारे लग रहे हैं फैशन स्ट्रीट के राजा जी। तो चलिए एंजॉय करिए फैशन स्ट्रीट के राजा जी के एरिया को। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये फैशन स्ट्रीट जी के राजा हैं जो धनुष लेकर यहाँ पर सवार हैं अपने चेयर पर, तो यही है फैशन स्ट्रीट के राजा जी। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ से निकला तो मुझे एक फिर नुक्कड़ पर यहाँ पर ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही, तो मैंने सोचा कि इसे भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हर मोड़ पर हर चौराहे पर हर तिराहे पर यहाँ पर ढोल नगाड़े बजते रहते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलूँ घर पर मत बैठिए और बाहर निकलिए और देखिए और इन्जॉय करिए अपनी मुंबई सिटी को, इसे सपनों की नगरी बोली जाती है। अब इसके बाद हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं फैशन स्ट्रीट के मिड पे एक बनाया गया हुआ है एकता गणेश मित्र मंडल, यहाँ पर एकता गणेश मित्र मंडल की ओर से यहाँ पर एक झांकी बनाई गई हुई है जो मैं आपको दिखाता हूँ, और अंदर चलकर देखते हैं ये झांकी कितनी प्यारी है कितनी अच्छी है। और दोस्तों मैं भीग गया हूँ थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश का शोर सुन सकते हैं। उसके साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिव भगवान जी के रूप में, शिव भगवान जी के बेटे के रूप में यहाँ पर दिखाया गया हुआ है गणेश जी को, और यहाँ पर दिखाया गया हुआ है कि कितने यहाँ पर हमारी ज्योतिर्लिंग हैं, तो सभी ज्योतिर्लिंग के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो मैं आपको पहले ज्योतिर्लिंग दिखा देता हूँ कौन कौन सी ज्योतिर्लिंग से यहाँ पर दिखाए गए हुए हैं, उसके बाद गणेश भगवान जी की आपको पूजा और आराधना करते हुए फोटोज़ दिखाता हूँ और वीडियोज़ दिखाता हूँ। तो देखिए सभी जगह के यहाँ पर शिवलिंग्स के बारे में बताया गया हुआ है, और जिस जगह पर हम हैं ये एकता गणेश मित्र मंडल की ओर से बनाया गया हुआ है, और यहाँ पर देखिए आप केदारनाथ जी के रूप में यहाँ पर दिखाया गया हुआ है भगवान गणेश जी को भगवान शिव जी के साथ में, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको कौन सी जगह कौन सी प्रतिमा बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी और कौन सा डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। तो दोस्तों हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। और यहाँ से जैसे निकला तो फिर से मुझे ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी और मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ। और उसके बाद अब सबसे प्यारी जगह पर हम आपको लेकर पहुँच चुके हैं जिनको यहाँ पर नाम दिया गया हुआ है फोटचा इच्छापूर्ति गणेश जी। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा मंदिर बनाया गया हुआ है, आप उसके साथ साथ में यहाँ पर देख सकते हैं राम जी को कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया हुआ है, राम जी का धनुष और राम जी का शरीर कैसे मूव कर रहा है, कैसे उनकी पलकें जमजम कर रही हैं ऊपर और नीचे की तरफ ओपन और क्लोज हो रही हैं, बहुत ही प्यारी मूर्ति लग रही है। अब इसके अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ, और अंदर ले जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जगह है एकदम और एकदम
सीएसटी के पास में है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास में है। जब वहाँ से आप नेशनल होटल की तरफ जाएंगे तो ये आपको वहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से इसे डेकोरेट किया गया हुआ है और यहाँ पर इच्छा पूर्ति जो गणेश जी हैं वो कितने प्यारे दिखते हैं, उनकी झांकी किस तरीके से बनाई गई हुई है। अंदर जाने के साथ साथ में दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी जहाँ पर आपको हमने दिखाया है मुंबई चार राजा के बारे में, मुंबई के राजा के बारे में। तो उसे ऊपर की तरफ आई बटन में क्लिक करके वो वाली वीडियो जरूर से ज़रूर देखें। और उसके साथ साथ में दोस्तों हमने मुंबई टूर की बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। हम सभी का लिंक्स अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर आप क्लिक करके सभी जगह की वीडियोस देख सकते हैं। मुंबई के बारे में टूर कैसे करते हैं, मुंबई में किस तरीके से घूमते हैं, सारी चीज़ें हमने बना रखी हैं। उसके साथ साथ हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट और बना रखी हैं, आप वहाँ पर भी जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में दोस्तों आप हमें अपनी तरफ से बताइएगा कि आपको कौन सी जगह बहुत प्यारी लगती है जहाँ पर आप नहीं जा रहे हैं, तो हम वहाँ पर जाकर वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। कि अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते तो हम जाकर वहाँ पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे और वहाँ की चीज़ें दिखाएंगे, वहाँ को फील कराएंगे आपकी अपनी आँखों से। और अभी बात कर लेते हैं यहाँ के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर राम लक्ष्मण और सीता जी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दर्शाई गई हुई हैं। यहाँ पर झांकियाँ बहुत बनाई गई हैं राम और सीता मैया के बारे में। और अंदर चलते हैं वहाँ पर देखते हैं किस तरीके से बनाया गया हुआ है। मुझे भी नहीं पता, मैं भी देख ही रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ मुंबई, तो सारी चीज़ें मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर चारों तरफ राम और सीता जी के बारे में बताया गया हुआ है, उनकी पूरी गाथा यहाँ पर लिखी हुई है। कैसे यहाँ पर राम जी की और सीता जी की शादी हुई, फिर कैसे उन्हें वनवास मिला, कैसे भरत मिलाप हुआ, कैसे रावण का वध हुआ, किस तरीके से राम और लक्ष्मण और सीता जी वापस आए, सारी चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यहाँ पे आप आएंगे तो बहुत ही आपको ठंडा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा कूलिंग यहाँ पर करी गई हुई है, जो कि मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा अभी तक का यहाँ पर जितनी भी मैंने झांकियाँ विजिट करी हैं। तो सबसे अच्छा तो मुझे यही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर डेकोरेट किया गया हुआ है। और यहाँ पर देखिए एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति बनाई गई हुई है। और गणेश जी से मिलवाने के बाद में हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कैसे दीवारों में राम जी और सीता जी के बारे में यहाँ पर दिखाया गया हुआ है, किस तरीके से उन्हें यहाँ पर दर्शाया गया हुआ है। आप लोग देखिए और फिर आपको हम सबसे लास्ट में यहाँ पर इच्छा पूर्ति गणेश जी हैं उनके फिर हम आपको दर्शन कराते हैं। और अभी हम आपको इच्छा पूर्ति गणेश जी के दर्शन कराते हैं। और देखिए और एंजॉय करिए इस वीडियो को। और दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमने जो आपको इस वीडियो में पांच चीज़ें दिखाई, पांच झांकियाँ दिखाई, उनमें से सबसे प्यारी झांकी आपको कौन सी लगी हुई है। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मुझे कौन सी झांकी सबसे प्यारी लगी हुई है, लेकिन मुझे आपका डिसीजन चाहिए दोस्तों, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँ आपको यहाँ की और आपको दिखाऊँ कि मुंबई में गणेश चतुर्थी का उत्सव कितनी तरीके से मनाया जाता है, कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर मनाया जाता है। और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ज़रूर दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम गणेश महोत्सव 2023 के बारे में बनाएं आपको सबसे पहले मिले। और हमारी इस वीडियो को आप एंजॉय करिए और हम आपको मिलते हैं इस वीडियो के अंत में। दोस्तों हमने आपको इच्छा पूर्ति गणेश जी के दर्शन करवा दी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा मंदिर बनाया गया हुआ है। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें झांकियों के रूप में यहाँ पर बनाई गई हुई हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप मुंबई आ रहे हैं गणेश चतुर्थी में भी, तो अगर आपने गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल को नहीं देखा तो फिर आपका मुंबई आना एकदम बेकार हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों अभी देख पा रहे हैं यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ की सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। उसके साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए एक झांकी जा रही है जहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो मैं आपको वहाँ पर भी लेकर चलता हूँ, वहाँ की झांकी दिखाता हूँ कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ में दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगी। हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारे अगली वीडियो को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारी इस वीडियो में एंड कीप इंजॉइंग दिस वीडियो।